हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल कंज्यूमर केस ऑनलाइन। हमारे चैनल पे प्रीवियसली भी दो वीडियोस बनी हुई हैं, जिसमें कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन NCH की वेबसाइट पे कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है। लेकिन ध्यान रहे, NCH की वेबसाइट पे कंप्लेंट फाइल करने के बाद आप अपोजिट पार्टी को कोर्ट तक नहीं बुला सकते हैं। साथ ही दूसरी वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि आपको कैसे अपने नज़दीकी कोर्ट में जाकर के एक कंज्यूमर केस फाइल करना है। आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंज्यूमर केस फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस समझाया हुआ है, वो भी ई दाखिल वेबसाइट के जरिए। ये पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है और इसके लिए आपको अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अपना केस फाइल कर सकते हैं और खुद ही अपना केस लड़ भी सकते हैं। चलिए अब इस ई दाखिल वेबसाइट के कुछ फ़ायदे जानते हैं। ई दाखिल वेबसाइट का पहला फ़ायदा तो यही है कि इसके लिए आपको एक अधिवक्ता यानी कि वकील होने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको एक वकील हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी सही जानकारी के जरिए आप खुद भी अपना केस फाइल कर सकते हैं और अपना केस लड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से वो सभी टेक्निकलिटीज़ भी बताई हुई हैं जो कि एक वकील को पता होता है और एक आम इंसान को नहीं पता होता। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ई दाखिल वेबसाइट पर कंज्यूमर केस फाइल करने के बाद आपको उसी समय एक यूनिक केस नंबर भी मिल जाता है, जिस नंबर के जरिए आप अपने केस को ट्रैक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका केस करेंटली किस स्टेज पर चल रहा है। ई दाखिल वेबसाइट पर कंज्यूमर केस फाइल करने पर आपको कोर्ट फी ऑनलाइन ही पे करने का मौका दिया जाता है, यानी कि अब आपको स्पेशली कोर्ट में जाकर के कोर्ट फी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही अपनी कोर्ट फी दे सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप जिस भी पर्टिकुलर सर्विस या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं उसकी कीमत 5 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी कोर्ट फी देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में भी अपना केस फाइल कर सकते हैं। ई दाखिल पोर्टल पर कंज्यूमर केस फाइल करने का एक और फ़ायदा यह भी है कि आप अपने पोर्टल के ऊपर ही अपोजिट पार्टी या फिर अथॉरिटी का रिप्लाई या रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हैं, यानी कि आपकी कंप्लेंट के बाद जो भी अपोजिट पार्टी का रिप्लाई आएगा उसे भी आप इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको अलग से कोर्ट में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई दाखिल वेबसाइट के ऊपर अगर आप कंज्यूमर केस फाइल करेंगे तो आपको ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका भी दिया जाएगा। साल 2020 में ऑनलाइन कंज्यूमर केस फाइल करने की सुविधा को बढ़ाने के लिए इस ई दाखिल पोर्टल को लागू किया गया, लेकिन आज लगभग 24 स्टेट्स के अंदर आप ई दाखिल वेबसाइट के जरिए कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जानते हैं कि आप ई दाखिल वेबसाइट को यूज़ करके कंज्यूमर केस कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ओपन कर लेंगे अपना ब्राउज़र अपने फ़ोन, पीसी या फिर लैपटॉप में और सिंपली टाइप करेंगे ई दाखिल। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अगर आप सिंपली अपने ब्राउज़र में ई दाखिल भी टाइप करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके आगे ओपन होकर कर आएगी, जो फर्स्ट लिंक आपको शो हो रहा है वो ई दाखिल की ऑफिशियल वेबसाइट का है। हमको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे ओपन होकर के आएगा, एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है और इसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया है कि 2020 में ये ई दाखिल पोर्टल को शुरू किया गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है जर्नी ऑफ 2 ईयर्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएगी लोगों की जिन्होंने ई दाखिल वेबसाइट के जरिए कंज्यूमर केस फाइल किया था और उन्हें सॉल्यूशन मिला है। तो अब आपको न्यू केस फाइल करने के लिए सिंपली एंटर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे आपके आगे कंज्यूमर कमीशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं और आप चाहें तो यहाँ से अपने डाउनलोड मैनुअल के ऑप्शन में जाकर के स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू कंज्यूमर कंप्लेंट का ड्राफ्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फर्स्ट अपील कैसे फाइल करनी है उसके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो आपको कोई भी अलग से एडिशनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो खुद से भी अपना केस फाइल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखेंगे, होम, कंप्लेंट स्लैश एडवोकेट सेक्शन, कंज्यूमर कमीशन सेक्शन, हेल्प एंड यूजर मैनुअल और यूजफुल लिंक्स। तो आपको सिंपली सेकेंड ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 नए ऑप्शन ओपन होकर के आपके आगे आ चुके हैं, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, वेरीफाई अकाउंट विद OTP।
तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि ई दाखिल पोर्टल के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे एक बिल्कुल न्यू पेज आपके आगे ओपन होकर के आ चुका है, और यहाँ पे आप एक लिस्ट देख सकते हैं कि इन इन स्टेट्स के अंदर आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन ई दाखिल पोर्टल से करा सकते हैं, यानी कि आप अपना कंज्यूमर केस ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं। अब आप देख लेंगे कि आपकी जो स्टेट है, जो पर्टिकुलर स्टेट या यूटी है, वो इन स्टेट्स के अंदर आती है या नहीं। अगर इनमें से किसी में भी आपकी स्टेट या यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी आती है, तो आप अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। आपको सिंपली इसे कैंसिल करना है और अब वापस से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करना है। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर पहले ही कराया हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस अच्छे से समझा देता हूँ। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और आपको सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है और अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन है, जिसमें कि आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है जो कि एक्टिव हो, क्योंकि आपका ओटीपी जो होगा वो उसी ईमेल के ऊपर आएगा। तो आप यहाँ पे अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद आपको सिंपली एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अच्छा, पासवर्ड क्रिएट करते टाइम आप लोगों के आगे हो सकता है बार बार इनवैलिड पासवर्ड का ऑप्शन फ्लैश हो। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, आपको जब अपना पासवर्ड बनाना है तो आपको अपने पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर, बाकी सभी जितने भी लेटर्स आप यूज़ करें वो बेशक रनिंग में हो सकते हैं, लेकिन एक कैपिटल लेटर ज़रूर होना ही चाहिए। साथ ही उसमें कुछ नंबर्स भी हों और साथ ही कोई स्पेशल करेक्टर, जैसे कि हैश, स्टार, क्वेश्चन मार्क या कुछ भी, ऐसा कोई ना कोई एक स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को कंसिस्ट करके एक पासवर्ड बनाएंगे तो आपका पासवर्ड काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपको सिंपली इस पासवर्ड वाले कॉलम में अपना पासवर्ड फिल करना है और उस सेम पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करके लिख देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है, अपना नाम फिल करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में, फादर्स नेम डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ऐसा करने के बाद आपको अपना सिंपली यहाँ पे करंट एड्रेस डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड जो है वो अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर फिल होकर नहीं आता है तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। उसके बाद हम आते हैं आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड। तो इसमें सिंपली आपको अपना एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आगे एक लंबी लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद ये आईडी प्रूफ नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद अपलोड आईडी प्रूफ के अंदर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, ध्यान रहे जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है। तो आप अपने आधार कार्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और ये जो सिक्योरिटी कोड आप देखते हैं जिसे हम यूजुअली कैप्चा कोड भी कहते हैं, वो आपको एज इट इज इस वाले कॉलम में, एंटर सिक्योरिटी कोड वाले कॉलम में डालना है और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करने के बाद इस सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर, जो ईमेल आपने यहाँ पे टाइप किया होगा, उस रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर एक ईमेल आएगा और उसमें आपको एक्टिवेट अकाउंट का एक बटन होगा जो आपको फ्लैश करेगा, कुछ इस तरीके का वो आपको ईमेल मिलेगा। और एक्टिवेट अकाउंट का बटन भी कुछ ऐसा होगा, आपको सिंपली उस एक्टिवेट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस एक्टिवेट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे फिल किया था, उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको एक 4 डिजिट का ओटीपी मिलेगा। सिंपली आपको उस ओटीपी को कॉपी करना है और इस ओटीपी वाले सेक्शन के अंदर उसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उस ओटीपी को फिल करेंगे, आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी कि अब आप ई दाखिल वेबसाइट को यूज़ करके कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके आगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम अमन किशोर, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, वैसे ही यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अब आपको कराना है अपना केस दर्ज, जो कि आप खुद से ही करा सकते हैं और आपको किसी भी अधिवक्ता यानी वकील की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके आगे कुछ ऊपर ऑप्शंस फ्लैश कर रहे हैं, होम, फाइलिंग बाय कंप्लेनेंट और बाय एडवोकेट, रिप्लाई बाय ऑपोजिट पार्टी और एडवोकेट, एप्लीकेशन फाइलिंग, प्रोफाइल या फिर लॉग आउट। तो हमें ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे हम इस सेकेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे फाइल अ न्यू केस का जो ऑप्शन है वो सबसे ऊपर आ रहा है, तो हमें सिंपली इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ये डिस्क्लेमर हमारे आगे आता है जिसे हमको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है।
जैसे ही हम इसे एक्सेप्ट करते हैं आप देखेंगे बिल्कुल इस तरीके का फॉर्मेट आपके आगे ओपन होकर के आएगा। अब आपको क्या करना है चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू कंज्यूमर केस सीसी, सीसी यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है फॉर कंज्यूमर केस। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है कंसिडरेशन अमाउंट पेड फॉर गुड एंड सर्विसेज। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। और आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 5 लाख तक का अगर आपका कोई इशू है यानी कि आपने कोई गुड्स या सर्विस, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई सर्विस 5 लाख रुपए से कम कीमत में खरीदी है और आपको उससे कोई रिलेटेड इशू है तो आपको कोई कोर्ट फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अमाउंट लिखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि आप जाते हैं एक फर्नीचर शॉप पे जहाँ पे आपका एक सोफा सेट खरीदते हैं। उस पर्टिकुलर शॉप ओनर ने ये क्लेम किया था कि आपको 2 साल तक की सर्विस इसके ऊपर जो भी होगी क्लीनिनेस की, या फिर ये अगर गंदा होता है या फिर इसमें कोई भी डिफेक्ट आता है तो 2 साल तक वो आपको रिप्लेस करके देगा। लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर आपका वो सोफा खराब हो जाता है और शॉपकीपर जो है वो आपको रिप्लेसमेंट नहीं देता है। तो आपको वो अमाउंट यहाँ पे फिल करना है जितने में आपने वो सोफा खरीदा। लेट से हम यहाँ पे फिल करते हैं 60,000। अब जैसे ही हमने 60,000 यहाँ पे फिल करा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने आप ही प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा यानी कि जहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर सोफा को खरीदा। तो आपको स्टेट का नाम फिल करना है। अब स्टेट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दिल्ली डाल देते हैं कि दिल्ली में वो शॉप थी जहाँ से हमने वो सोफा खरीदा। उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली वो आपने खरीद। जाहिर सी बात है ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं आप वहीं से चीज़ें परचेज करते हैं या वहीं की सर्विसेज अवेल करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और जाकर भी कर रहे हैं, किसी और स्टेट में जाकर भी कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को ही डालना है जहाँ से आपने उस पर्टिकुलर सर्विस या गुड को परचेज किया है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे लेट से हम डाल देते हैं न्यू दिल्ली। इसके बाद सिंपली हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन एक और चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, जो मैंने आपको बात बताई थी कि 5 लाख तक का अगर आपका कोई मैटर है तो आपको कोई भी कोर्ट फी पे करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन। अब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल करना है और आपका जो मैटर है वो 5 लाख तक की आइटम के साथ डील कर रहा है तो आपको कोई भी कोर्ट फी पे करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे निल लिखा हुआ है। लेकिन 5 लाख से 10 लाख तक का अगर मैटर है तो आपको सिंपली 500 रुपये की कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी। 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक का मैटर है तो आपको यहाँ पे 800 रुपये की कोर्ट फी भी करनी है, और 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक का मैटर है तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये की कोर्ट फी भी करनी है। उसके बाद अगर आपका 50 लाख से ऊपर का इशू है तो आपको जाना पड़ेगा स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में भी आप इस वेबसाइट के जरिए केस फाइल करा सकते हैं। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अगर आपका कोई इशू है तो आपको 2,000 रुपये की कोर्ट फी भी करनी है, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे लिस्ट को। तो अब हमने जैसा कि हमारा जो क्लेम था, हमने जो ऑब्जेक्ट खरीदा था, फॉर एग्जांपल हमने जो सोफा खरीदा था उसकी कीमत 60,000 रुपये थी, तो हमें कोई कोर्ट फी भी पे करने की जरूरत नहीं है। हमको सिंपली इतना चीजें फिल करके कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आ जाती है यहां पर केस डिटेल्स। अब आप देखेंगे यहां पर अगर प्री डिटेल डाली तो जो हम सब ने फिल करा था वही सब यहां पर फिल होकर आ चुका है। सेकेंड ऑप्शन आता है केस डिटेल। तो केस डिटेल के अंदर आपको करना क्या है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सिंपल चीज है, आप समझते जाइए आपको क्या करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लेनेंट नेम, तो कंप्लेनेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। और कंप्लेनेंट का मतलब होता है जो पर्सन कंप्लेंट कर रहा है। अब इस इशू को रिलेटेड आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हुए एक कंप्लेनेंट, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना नाम फिल करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अपनी ईमेल आईडी फिल करने का। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। कंप्लेनेंट मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 साल से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप सीनियर सिटीजन वाले कॉलम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आप स्पेशली एबल्ड हैं तो आप इस ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको इन दोनों में से कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विडो हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर या फैक्स नंबर डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद एड्रेस तो कंपलसरी है ही, आपको सिंपली यहाँ पे अपना एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं आपको वो एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी स्टेट जहाँ पर आप रहते हैं वो फिल करनी है, उसका पिन कोड डालना है और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका घर यानी कि रेजिडेंट है फिल कर देना है।
अब आती है बारी अपोजिट पार्टी की। तो अपोजिट पार्टी डिटेल्स के अंदर आपको उस पर्टिकुलर पार्टी यानी कि उस पर्सन की डिटेल डालनी है जिससे आपने कोई सर्विस या फिर गुड परचेज किया। अब हम जैसे एग्जांपल लेके चल रहे थे एक फर्नीचर शॉप का जहाँ से हमने एक सोफ़ा ख़रीदा है, तो उस पर्टिकुलर शॉप की और उस पर्टिकुलर शॉप ओनर की आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। तो अब आप अपोजिट पार्टी का नाम आपको पता है तो यहाँ पे नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये सभी डिटेल जो आपने कॉमनली अपनी टाइम पे फिल करी थी यानी कि कंप्लेन डिटेल में फिल करी थी वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लेनेंट एडवोकेट डिटेल्स, डू यू नो योर एडवोकेट। अगर आप कंप्लेंट एक एडवोकेट के जरिए दाखिल करा रहे हैं तो आपका एडवोकेट ये कंप्लेंट फाइल करेगा तो वो इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर देगा, लेकिन अगर आप खुद से अपनी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एडवोकेट डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली डू यू नो योर एडवोकेट ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे और आपको ये पूरा जो कंप्लेनेंट एडवोकेट डिटेल्स है फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप वापस से स्क्रोल अप करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है केस समरी डिटेल्स, तो इसके अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। आपको सिंपली अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप इस कॉलम के अंदर ही टाइपिंग करते हैं फिर चाहे आप पीसी में कर रहे हो, लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में, तो टाइप होने में जब आप 3-4 लाइंस लिख लेंगे तो वो काफ़ी स्लो हो जाएगा और आपके जो भी वर्ड्स आप टाइप करेंगे वो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएंगे। तो आपके लिए एक अच्छा सजेशन ये है कि आप किसी भी दूसरे ऐप में, नोटपैड में या कहीं भी अपने फ़ोन में अपनी कंप्लेंट को पहले से ही लिख के रखें, उसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दें। इस कंप्लेंट के अंदर यानी कि इस केस समरी के अंदर आप अपने साथ वो सभी डिटेल्स ऐड करेंगे, किस टाइम आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया, दुकान वाले ने आपको क्या बोला था यानी कि जिससे आपने उस शॉप ओनर से जो परचेज़ किया उसने आपको गारंटी दी थी कि ये आपकी पर्टिकुलर चीज़ है, ये 1 साल तक या 2 साल तक चलेगी या फिर 2 साल तक इसकी सर्विसिंग फ्री है, और जब वो जल्दी ख़राब हो गई तो उसने आपको सर्विसिंग नहीं दी, जो भी आपका इशू है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है और सेव ड्राफ्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको आ जाना है एडिशनल कंप्लेनेंट के ऑप्शन पर। एडिशनल कंप्लेनेंट यानी कि अगर दो लोग मिलके किसी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एडिशनल कंप्लेनेंट है, फॉर एग्जाम्पल वो सोफ़ा आप खरीदने गए थे लेकिन आपके साथ साथ आपका एक दोस्त भी आपके साथ गया था जिसने वो पर्टिकुलर सोफ़ा खरीदा, अब उसके सोफे के साथ भी यही इशू आ गया जो आपके सोफे के साथ आया, तो आप दोनों चाहें तो मिलकर भी ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड अ न्यू एडिशनल कंप्लेनेंट, यहाँ पे जो वापस से जो दूसरा कंप्लेनेंट होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे सिंपली आ जाएंगी और वही प्रोसेस जो सिंपली आपके साथ फॉलो हुआ था उसे हम यहाँ पे फॉलो कर देंगे, यानी कि यहाँ पे एडवोकेट अगर आप एडवोकेट के जरिए कर रहे हैं तो एडवोकेट की डिटेल आ जाएगी, वरना आपको एडवोकेट की डिटेल डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है एडिशनल अपोजिट पार्टी। अब आप समझिए एडिशनल अपोजिट पार्टी का क्या मतलब होता है। मानते हैं कि आप जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं वो एक नहीं दो या तीन या मल्टीपल लोग हैं, तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप उनकी जो भी डिटेल्स हैं, अलग अलग एड्रेसेस हैं उनके, तो आप वो सभी एड्रेसेस, अलग अलग पर्सन है जो उस पर्टिकुलर सर्विस को या फिर उन गुड्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ये एक लॉयर को तो पता होती है लेकिन एक आम आदमी को इन सब चीज़ों के बारे में शायद नहीं पता होता या पूरी जानकारी नहीं होती। तो अगर आप चाहें तो जैसा जैसा इसमें लिखा है आप सिंपली ये चीज़ें भी फॉलो कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली अपना केस फाइल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके केस डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने ही चाहिए। अब इंडेक्स क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने पहले से ही स्लाइड शेयर बना रखे हैं, मैं कुछ आपको स्लाइड्स यहाँ पे शो करता रहूँगा और आप देख सकते हैं। इंडेक्स आपको कुछ इस तरीके का बनाना है। इसके अंदर आपको सिंपली जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट लगाया तो वो कहाँ पर लगाए, किस पेज नंबर के ऊपर है, ऊपर आपका मेमो ऑफ पार्टीज आ जाएगा, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स आ जाएगा, तो ये सभी चीज़ें आपको इस तरीके से डीमार्केट करनी है और उसके ऊपर पेज नंबर यानी कि नंबरिंग करनी है पेजेस की। इंडेक्स सिंपली जैसा आप बुक्स पढ़ते थे तो बुक्स के ऊपर इंडेक्स होता था, टॉपिक्स लिखे रहते थे और पेज नंबर लिखे रहते थे, सिंपली हम अपने केस का भी एक इसी तरीके का इंडेक्स बनाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ डेट का, लिस्ट ऑफ डेट एंड इवेंट्स।
तो लिस्ट ऑफ डेट्स के अंदर आ जाता है किस किस दिन आपने क्या चीज़ खरीदी, क्या सर्विस अवेल करी और किस किस दिन आपके साथ क्या क्या हुआ, आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में हम देखते हैं यहाँ पे मेमो ऑफ पार्टीज विद कंप्लीट एड्रेस। तो मैं इसका एग्जांपल एक यहाँ पे डाल देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं मेमो ऑफ पार्टीज कुछ इस तरीके का होता है, जिसके अंदर पहले आपका नाम आता है यानी कि कंप्लेनेंट का नाम आता है जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, उसका पूरा एड्रेस आता है, उसके बाद वर्सेस जो अपोजिट पार्टी है उसका नाम और एड्रेस आता है। अगर वो कोई एक ही पार्टी है तो सिर्फ एक का ही नाम आता है, अगर मल्टीपल लोग हैं तो मल्टीपल लोगों के नाम और एड्रेसेस वहाँ पे आ जाते हैं। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं और एज इट इज अपना मेमो ऑफ पार्टी भी बना सकते हैं। उसके बाद कंप्लेंट विद एफिडेविट, तो जो आपकी कंप्लेंट होगी वो एक एफिडेविट के थ्रू अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि एक एफिडेविट उसके ऊपर लगा ही होना चाहिए और वो साइंड होनी चाहिए। तो आप एक सिंपली एक एफिडेविट जाकर बनवा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट के साथ उसे अटैच कर सकते हैं और उसे यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, ध्यान रहे हम जो भी यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में होनी चाहिए और अप टू 10 MB तक ही होनी चाहिए, यानी 10 MB से नीचे नीचे या फिर 10 MB तक की आपकी फाइल होगी तो अच्छा रहेगा, 10 MB से ज़्यादा की फाइल ये पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंपली आपको चूज करना है, अपलोड करना है और अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सभी के सभी अपलोड कर देने हैं। तो अब आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और इसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पे थे जो कि सेकंड लास्ट ऑप्शन है, तो अब हमें आ जाना है फाइनलाइज एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर। अब आपको सिंपली फाइनलाइज करनी है अपनी पिटीशन को, यानी कि अब फाइनल सबमिशन का टाइम आ चुका है, जो केस आप फाइल करने वाले हैं उसको आपको फाइनली यहाँ पे सबमिट करना है। अब ये जो प्रीव्यू का ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली अपनी जो पिटीशन है प्री डिटेल से लेकर के फाइनलाइज एंड सबमिट एप्लीकेशन तक, बीच में जो जो भी आपने डिटेल सभी पार्ट्स में फिल करी है वो सब आपके आगे प्रीव्यू हो जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं, अगर कोई गलती है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव रजिस्टर ऑन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, तो आपको येस और नो अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर आपने NCH की वेबसाइट के ऊपर या हेल्पलाइन के ऊपर पहले ही कंप्लेंट करा रखी है तो आपको येस करना है, वरना आप नो कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर कैसे कंप्लेंट करानी है तो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको केस फाइल करने से पहले NCH की वेबसाइट पर जाकर ही कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, क्योंकि कई केसेस में देखा जाता है कि सिर्फ NCH की वेबसाइट पे कंप्लेंट फाइल करने से ही आपका काम बन जाता है और आपको केस फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इसके बाद देखेंगे प्लीज कंफर्म दैट फॉलोइंग पॉइंट्स हैव बीन क्रॉस चेक। इसके बाद आप देखेंगे कि आपने ये सभी जो आपकी डिटेल्स आपने फिल करी हैं वो आपने क्रॉस चेक कर ली है, यानी कि डिटेल्स ऑफ कंप्लेनेंट, नेम एंड एड्रेस और एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं। बेसिकली ये सिर्फ ये चीज़ है कि आपने जो भी अपनी कंप्लेंट में डिटेल्स डाली हैं वो सही हैं या फिर नहीं है। अगर सब सही है तो सब पे टिक कर देंगे, कुछ गलत होगा तो आप उसे वापस से ठीक करेंगे और फिर इस पे टिक करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉशन लिखा हुआ है, वंस यू फाइनलाइज योर केस यू कैन नॉट एडिट इट, यानी कि अगर आपने अपना केस पूरा फाइनलाइज कर दिया और ये फाइनलाइज के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते और आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। तो अच्छे से चेक कर लीजिए अपनी सभी डिटेल्स को, कंप्लेनेंट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, अपोजिट पार्टी नेम एक्सेट्रा, जो भी आपने सब करा है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं सबको अच्छे से चेक कर लीजिए। इन सभी जो ऑप्शन हैं इनके ऊपर टिक करके आपको फाइनलाइज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका मैटर अगर 5 लाख रुपये से कम है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ, जिस गुड या सर्विस के साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, उसकी कीमत 5 लाख रुपये से कम है तो आपको कोई कोर्ट फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो जैसे ही आप फाइनलाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये वेबसाइट रीडायरेक्ट कर देगी पेमेंट गेटवे पर और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि आपका जो इशू है वो 5 लाख से कम है तो आपको कोई कोर्ट फी पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इसे फाइनलाइज करेंगे आपके ईमेल के ऊपर आपको मैसेज मिल जाएगा, आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपका केस सबमिट हो चुका है और आपको एक केस नंबर भी मिल जाएगा। तो बस दोस्तों ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें जो टेक्निकल चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई दी और एग्जाम्पल दे के आपको समझा भी दिया कि ये मेमो ऑफ पार्टीज क्या होता है, कैसे बनता है, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कैसे बनती है, इंडेक्स क्या होता है और कैसे बनता है। आप सिंपली इसे एज इट इज बना करके एड्रेस अपना डाल के, नाम अपना डाल के और अपोजिट पार्टी का नाम और एड्रेस डाल के आप अपना केस भी खुद से फाइल करा सकते हैं। आपके ईमेल पे आपको मेल आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए कि आपका केस फाइल हो चुका है, साथ ही आपके फ़ोन नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा और आपको एक यूनिक केस नंबर भी मिल जाएगा, जिस केस नंबर को आप आगे फर्दर अपने पास सेव करके रखेंगे
और इसी वेबसाइट के ऊपर डाल के आप अपने केस का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको कैसे अपना केस नंबर डाल के अपने केस को चेक करना है। ऑलराइट, वापस से अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे अपने केस का स्टेटस चेक करना है। तो हम वापस से बैक करके आ जाते हैं उसी पेज पर जहाँ पे हमने अपना केस फाइल का प्रोसेस शुरू किया था। हमें वापस से फाइलिंग बाय कंप्लेनेंट और एडवोकेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। पहले केस फाइल करने के लिए हमने फाइल ए न्यू केस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया था, लेकिन अब हमें व्यू केस स्टेटस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे केस रेफरेंस नंबर मेरा आ चुका है। केस नंबर मेरा अभी नहीं आया क्योंकि मैंने अभी कोई केस नहीं फाइल किया था, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा था। उसके बाद ये सभी डिटेल्स जो हैं, कंप्लेनेंट नेम, अपोजिट पार्टी नेम, ये सभी फिल होकर के आ जाएंगी। और व्यू डिटेल्स के ऊपर ये जो आप देख सकते हैं ऑप्शन व्यू का, इस पर सिंपली क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके केस का स्टेटस क्या चल रहा है। दैट्स इट दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा आज का यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।